अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हनी आर्ट, हाउ टू मेक अ पेंसिल बैग विद पेपर। लेट्स स्टार्ट नाउ। यहाँ पे हमें एक अदद फोमिक शीट A4 साइज़ की चाहिए, और साथ ही साथ हमें एक अदद ग्लू और एक कैंची चाहिए, और साथ ही हमें एक ज़िप चाहिए। बस इतनी सी चीज़ों से हम लोग बनाएंगे एक खूबसूरत ज्योमेट्री बैग। लेट्स स्टार्ट नाउ। चलें स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने शीट को इस तरीके से रखने के बाद हमने ज़िप को इसके मिड में रखना है। अगर आपसे मिड नहीं हो रहा तो आपने इसको हाफ़ कर लेना है। हाफ़ करने के बाद आपने ज़िप को इसके यानी कि हाफ़ में रख लेना है, और इस साइड से आपने पेपर को इस तरह से अटैच करना है, और दूसरी साइड से भी आप लोगों ने इस तरीके से इसको अटैच कर लेना है, इस तरह से। तो जी, इस तरीके से आपने ग्लू की मदद से इसको अटैच कर लेना है। बहुत ही सिंपल है मेथड, तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसलिए आप इस तरीके से आपको समझ आएगी। तो जी, इस तरीके से हम लोगों ने ग्लू को अटैच कर लिया है एक साइड से, तो अब हम लोग दूसरी साइड से भी इसी तरह हम लोग ग्लू को अटैच कर लेंगे। तो ये मैंने इसके ऊपर रख के तो हमने अटैच कर लिया है इस तरह से। तो जी, ये अब अटैच हो गई है। अब हम लोग ज़िप को ओपन करेंगे। इस तरीके से हम लोगों ने ज़िप को ओपन करने के बाद हमने इसको टर्न करना है, यानी कि उल्टी साइड इसकी लेके आनी है। तो हम लोग अब इसको टर्न कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये बहुत सिंपल तरीका है। तो ये आप लोगों ने इसको उल्टा कर लेना है। फोमिक शीट है, कोई परेशान होने की बात नहीं है, तो ये इसको कुछ भी नहीं होता। तो जी, हम लोगों ने इसको फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद हम लोगों ने इसकी ज़िप को बंद कर लिया है। बंद करने से ये है कि आपकी ईज़िली आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको फोल्ड करने के बाद, ज़िप को बंद करने के बाद हम लोगों ने अब इसकी साइड जोन सी हैं उनको बंद करना है। तो इसके लिए पहले हम लोगों ने ये जो उनसे पीसेस लिए हैं मैंने, तो ये मैंने पीसेस लिए हैं जो कि हम लोगों ने इसकी साइड पे सेफ्टी के लिए अटैच करने हैं इस तरीके से। तो ये बहुत लाजमी है, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने ज़रूर फॉलो करना है, इस तरीके से आपकी मज़बूती ज़्यादा आएगी। तो ये आप लोगों ने इस तरह से, ये बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, तो ये ज्योमेट्री ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये देखिए जी, इस तरीके से आप लोगों ने अटैच कर लेनी है। तो ये मैंने ग्लू की मदद से इस तरह से अटैच कर लिया है। तो दूसरी साइड से भी हम लोगों ने अटैच कर लिया है इस तरह से, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी रहती है इस तरह से कॉर्नर्स, अगर आप लोग पहले से ही सही कर लें। तो हम लोगों ने इस तरीके से ऊपर से थोड़ा सा रखना है और नीचे से ज़्यादा, ताकि हमारी जो सी ज़िप है वो ना ज़्यादा मिड में आए और ना ही ज़्यादा। तो जी, यहाँ पे हम लोग ग्लू की मदद से इसको अटैच करेंगे इस तरीके से। दोनों साइडों से हम लोग ग्लू लगा के तो इसको अच्छे तरीके से कवर अप करेंगे साइड कॉर्नर्स को। तो यहाँ पर मैंने ग्लू अप्लाई कर लिया है, तो अब हम लोग इसको प्रेस करके तो अटैच कर लेंगे इस तरीके से। तो ये मैंने दोनों साइडों से कवर कर लिया है। तो अब हमने क्या करना है, इनके जो से नीचे वाले कॉर्नर से यहाँ पे हम लोगों ने ट्रायंगल बनाना है इस तरीके से। तो ये आप लोगों ने दोनों साइडों पे जो सा ना ट्रायंगल बना देना है। तो यहाँ पे ऊपर भी हम लोग बनाएंगे कॉर्नर, इससे ये आएगा कि इसके अंदर थोड़ा सा फ्लफ सा हो जाएगा, यानी कि थोड़ी सी फूल जाएगी और बैठी बैठी नहीं रहेगी, इसका ये होता है। तो ये हम लोगों ने चारों कॉर्नर्स पे मैंने ग्लू लगा के तो इसको कर लिया है। तो अब हम लोग इसको सीधा करेंगे। तो ये मैंने इस तरह से, आप इसको सारे को हाथ में लेके तो ये आपने इसको सीधा कर लेना है इस तरीके से। बहुत ही सिंपल है, देखिए कितनी खूबसूरत सी रेडी हो गई है ज्योमेट्री बॉक्स। इसे बना सकते हैं मेकअप बॉक्स, बना सकते हैं मेकअप बैग, बना सकते हैं कुछ भी, बना सकते हैं आप इसके अंदर कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने डेकोरेशन के लिए यहाँ पे मैंने ये कुछ यूज़ किया है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे ईयर्स हैं यूनिकॉर्न के, जो आपका फेवरेट है, जो भी आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये बना रही हूँ। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी और बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही कम पैसों में ये रेडी हो गई है पेंसिल बैग। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पर मैं इसकी आइस बना लूँ यूनिकॉर्न की, तो ये बेहतरीन ज्योमेट्री है। तो मेरी वीडियो को देखने का
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ कि इसकी कॉस्ट क्या है। तो यहाँ पे हम लोगों को कितनी कॉस्ट आई है, सिर्फ 5 रुपीज़ की ज़िप है और जौन सी ये फोमिक शीट है वो ओनली हमें 10 रुपीज़ की पड़ती है। तो जी 15 रुपीज़ में इतनी खूबसूरत ज्योमेट्री आपको कहीं नहीं मिलेंगी। तो ये लगभग भी आपको 100 या 120 की ये आपको बाज़ार में मिलेगी। तो ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अमेजिंग ज्योमेट्री आप बना सकते हैं बहुत ही कम कीमत में। तो ये बहुत ही अच्छी है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।